अखिलेश प्रताप सिंह जी, एक सेकंड, अरुण राजभर जी, एक मिनट रुक जाइए। देखिए अरुण राजभर साहब ये कह रहे हैं कि ये जीत सिर्फ अकेले आपकी जीत नहीं है, मायावती जी ने जो वॉकओवर दे दिया, कैंडिडेट नहीं उतारा, उनके वोट ट्रांसफर हो गए आप में, ये जीत इस वजह से हुई मायावती जी के चुनाव में ना उतरने की वजह से। भले ही आप इग्नोर करें लेकिन मायावती जी को इग्नोर नहीं किया जा सकता यूपी के चुनाव में खासकर। देखिए मैं पिछले हिमाचल और कर्नाटक चुनाव के बाद अपने भाजपा के मित्रों से ये कहता हूं कि अब आप लोगों को इसी तरह के बहाने ढूंढ करके संतोष करना पड़ेगा कि किस कारण से विपक्ष जीत गया। वो ये कर रहे हैं कि इस कारण से विपक्ष जीत गया, ये अब आप लोगों के भविष्य में दसियों पचासों साल तक इसी तरह की समीक्षा आपको करनी है, क्योंकि अब मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है। मोदी जी कर्नाटक में भी लड़े थे, हिमाचल में भी लड़े थे, और यहाँ पे भी पूरे देश में लोग उनको पहचान गए हैं कि असत्य बोल करके झूठ के गुब्बारे की हवा रोजाना निकलती जा रही है, करीब करीब निकल चुकी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लोग विधानसभा था प्राची जी, ये मुख्यमंत्री के डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर विधानसभा था, जो ये बीजेपी के लोग दावा करते हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चार इंजन, कितने इंजन, और विकास हुआ है, काम हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। जनता जमीन पे देख रही है इनके झूठे वादों को, सिर्फ हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, इस तरह की बातें करते करते इतना समय बीत गया, लोग जान गए हैं कि इनके बस में कुछ नहीं है, झूठे सब जवाब दिखा करके वोट लेते रहे, अब वो फैक्टर नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप कुछ आउटपुट नहीं दे रहे हो, आप हर जगह भ्रष्टाचार लिख कर रहे हो, आप नौकरियां नहीं दे रहे हो, बड़े बड़े घोटाले कर रहे हो, काम कुछ नहीं कर रहे हो, जितनी सड़कें हैं जो उसमें भी घोटाले ही घोटाले हैं, कोई सड़कें कंप्लीट ही नहीं हो रही हैं, कोई विकास का काम हो ही नहीं रहा है, तो किसके आधार पर वोट दे, जो कहा था कि आप नौकरियां देंगे, आप अच्छी व्यवस्था देंगे, आप समरसता का समाज निर्माण करेंगे, उसमें तो आप विभेद पैदा कर रहे हैं, उसमें तो आप किसी तरह से लड़ा करके लोगों में एक दूसरे के प्रति। अखिलेश जी आप वरिष्ठ हैं यूपी की राजनीति को मुझसे बहुत अच्छे से ज्यादा आप समझते हैं, आपकी बारीक नजर से अगर मायावती फैक्टर छूट रहा है सर, तो मैं इसे कैसे समझूं? क्या मायावती जी का फैक्टर या उनकी पार्टी का वोटर कोई काम नहीं आया आपके इन चुनावों में? देखिए ये फैक्टर जोड़ते रहिए आप और बीजेपी, ये करते रहे, भविष्य में यही करते रहना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार जिक्र होता है, दोनों लोगों ने कहा G20, तो अब तो विश्व गुरु ब्राजील हो गया ना आपके हिसाब से, क्योंकि तो रोटेशन से मिलता था, तो अब तो विश्व गुरु ब्राजील बोलेगा कि नहीं बोलेगा, जैसे आप लोग बोलते थे, अब तो सबसे बड़ा दुनिया का नेता ब्राजील का राष्ट्रपति हो गया होगा आप ही लोगों के हिसाब से। 4,000 करोड़ लगा करके जिस मंडपम का निर्माण किए उसमें कमर भर पानी एक बरसात में, भ्रष्टाचार की पोर खुल गई। ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह जी, फैक्ट चेक भी देख लेते, फिर पीआईबी ने उसका फैक्ट चेक भी किया था। सर G20 पे मेरी बहस है नहीं तो मैं वहां लेकर जा नहीं गई, लेकिन मैं इतना उम्मीद आपसे कर रही थी कि मैं मायावती पर सवाल आपसे पूछ रही हूँ तो उसका जवाब आप दे देते। G20 पर उठाते रहिए सर सवाल, G20 में ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ गया, आप लोगों ने आशंका जताई थी कि नहीं आएगा लेकिन आ गया ना, उस पर तो कम से कम पीठ थपथपा देते सरकार की, बाद में सवाल उठाते रहिए जितनी उठाने। सुनिए क्या है ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, क्या मिला इस देश को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट तो कर नहीं पाए, उसको रोक दिया गया, यहाँ का अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ से जाते वियतनाम में, क्या इस बात का जवाब त्रिपाठी जी देंगे, फिर मलूक नागर जी उसको भी दिखा दिए क्या, इसके बाद त्रिपाठी जी देंगे, वही देंगे सर जवाब, उन्हीं पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो वही देंगे जवाब कि आपकी नजर में वो सफल नहीं है G20। G20 का हर एक रंग और रूप दिखाया गया है और देश को उस पर गर्व है अखिलेश प्रताप सिंह जी, जो तस्वीरें हमने देखी हैं। बोलिए त्रिपाठी जी, जवाब दे दीजिए, विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं आपसे। रुक जाइए अखिलेश प्रताप सिंह जी, एक मिनट रुक जाइए सर, कौन दे रहा है क्रेडिट? आप लोग दे रहे हैं क्रेडिट, हम तो बात देश की कर रहे हैं, हिंदुस्तान की कर रहे हैं, भारत की कर रहे हैं, आप उसमें लेकर आ रहे हैं मोदी जी का नाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।